का न्यूज़ बुलेटिन का खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की, जहां लाभार्थियों से संवाद किया गया पीएम मोदी ने, और इस दौरान पीएम ने कहा कि इन 10 सालों में हमने योजना को दूरस्थ इलाकों में पहुंचाया है, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है और ये लोग कटे हुए थे। और वहीं पीएम ने यह भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना मेरे लिए सौभाग्य का अवसर। श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया। दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए। रामचरित मानस में कहा गया है, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता। यानी भगवान श्री राम ने अपने भक्त से सिर्फ भक्ति के संबंध को सबसे बड़ा कहा है। त्रेता में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, बिना गरीब, बिना वंचित, बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है। गरीबों के लिए समर्पित किए, 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। साथियों, सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमत, पीएम जनमन, ये पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। और सिर्फ 2 महीने में ही पीएम जनमन महाअभियान ने वो लक्ष्य हासिल करने शुरू कर दिए हैं जो पहले कोई नहीं कर सका। याद है जब ठीक 2 महीने पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर सरकार ने ये अभियान शुरू किया था तो हम सबके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। हमारे अति पिछड़े मेरे जनजातीय साथी जो दूर सुदूर जंगलों में रहते हैं, जो दूर ऊंचे पहाड़ों पर मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, जो बॉर्डर के सीमा के क्षेत्रों में रहते हुए दशकों से विकास का इंतजार कर रहे हैं, जिन तक पहुंचना भी सरकारी मशीनरी के लिए बहुत कठिन होता है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा अभियान हमारी सरकार ने शुरू किया है। और मैं जिले के सभी सरकारी अधिकारी, राज्यों के सरकारी अधिकारी, उन सबको सच्चे दिल से बहुत बधाई देता हूं कि इतना बड़ा काम जो 75 साल तक हम नहीं कर पाते थे,